हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस वीडियो भैया निकल ली है और समर एक्सपेरिमेंट गाइस फटाफट अपलोड हो जाएगी। तो भैया टाइम काफी ज्यादा हो गया, 2:45 बज रहे हैं गाइस। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, यार घंटे थोड़ा ऊपर नहीं चल रहे, पता नहीं यार कौन था ठीक इनमें से। खैर गाइस बात देखेंगे। तो भाई साहब आज मेरे को मिले हैं भाई साहब ये दो सेटअप बॉक्स कहते हैं आई थिंक इन्हें, ठीक है। यह है डेन का, ये HDMI वाई मतलब जो भी है इसमें सारे फंक्शन अवेलेबल हियर। यह है टाटा स्काई का। और भाई साहब हम इनका क्या कर सकते हैं भाई, बहुत मस्त चीज है। हम गाइस बहुत सारी चीज इनसे बना सकते हैं। मेरे दिमाग में शैतानी आइडिया आया था, सोचा कि चलो भाई आपको बताता हूँ। तो भैया ये निकलते रहेगी। और भाई साहब कहाँ गया हमारा वो प्रोजेक्ट, रख दिया भोज भाई ने। भाई साहब ऐसा मस्त और धांसू भाई ये एसी कूलर बना है, भाई साहब मजा ही आ जाएगा। जिस भाई ने भाई वीडियो नहीं देखी जाके देखो यार तुम कर क्या रहे हो बॉस। तो भाई क्या मस्त लगता है खूबसूरत सा देखने में, वो वैसे देखो मस्त बेहतरीन। भाई जिस भाई ने नहीं देखा भाई जाके देखो यार, काफी फाड़ स्पीड है, स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई साहब। और भाई ऐसी चिल चिल हवा देता भाई साहब, आदमी गाने का जस्ट चिल कहता पता नहीं। खैर जो बात है भाई साहब, एक काला एक गोरा, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो भाई साहब काला पहले आता है, गोरा बाद में आता है। इंग्लिश में भाई साहब ब्लैक पहले आता है और व्हाइट बाद में आता है। पता नहीं कैसे मैचिंग मान लो या भाई साहब हमारे जवान पे अटा पड़ा है, रटा पड़ा है। हाँ तो भाई साहब देखते हैं दोनों की हालत, हम इनसे क्या करेंगे भाई। तो भी सील पैगी है वगैरह, वॉन्ट टू वेट इफ सील इज ब्रोकन। और भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट चलता है, ये HDMI का IR और यहाँ पे केबल इन जो भी है, ठीक है। और वैसे भी गिरा और ये चलता है भाई साहब 12 वोल्ट से, 1.5 एम्पियर मैक्स है। अगर इसका भी 1.5 एम्पियर मैक्स है, ठीक है। यहाँ पर गाइस यूएसबी लग दी, देखो यूएसबी का सॉकेट लग रहा है। ये भैया इसका ऑडियो का है, ये वीडियो का है, ठीक है। यहाँ गाइस हम कार्ड देख सकते हैं। ओह ये गाइस एक तरह का सिम का काम ही करेगा, टाटा का कार्ड है, ये सिम कह सकते हो भाई, इससे आई थिंक इसे रिचार्ज होता होगा। देखो भाई मेरे घर में भाई ये नहीं है, हम गाइस गरीब आदमी है तो भैया हम टीवी नहीं देखते। नीचे लग रही है LCD, आपने गाइस देखा होगा मेरी वीडियो में, काफी झूठ बोलो भाई, काफी लोगों के समझ है भाई। हाँ है भाई, लेकिन उसमें चलता गाइस फ्री वाला जो DD डायरेक्ट होम कुछ ऐसी है। चले गए फटाफट पहले चला के देखते हैं कि भाई चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। भैया पावर सप्लाई से चलाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब यह 5 वोल्ट, यह 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए गाइस हमें वोल्टेज कम ज्यादा करने पड़ेंगे, पता नहीं खराब है या ठीक है मेरे को नहीं पता, वो गाइस हम अभी चेक कर लेंगे। हाँ तो भाई साहब मैंने 5 वोल्ट कर ली है, 5.1 अपना आप हो गए, मैंने 5 वोल्ट लिए थे। तो भाई साहब फटाफट से पहले चला कर देखते हैं। ये है भैया यहाँ से पावर, हाँ पावर ले रहा था, गाइस चल गया होगा, नहीं चला, ये नहीं चला गया तारे लाज का, नहीं भाई कोई लाइट नहीं चली तो सी भी। अरे चल रही है गाइस जल्दी जल्दी जल्दी, देखो ये देखो ये देखो आपने, देखो भाई इसमें गाइस लाइट जल रही है और इसके अंदर कोई लाइट नहीं चली, शायद इसके अंदर लाइट गाइस होगी नहीं, इसके अंदर शायद सेंसर होगा, इसका एयर सेंसर, ठीक है। लेकिन भाई इसमें लाइट आ रही है वगैरह और इससे बंद भी नहीं हो रहा। चलो भाई इसका ऊपर बाद में करेंगे, पहले का इस पर भी आते हैं। ये चलता भाई 12 वोल्ट से, तो भाई इसमें करते हैं सीधा का सीधा 12 वोल्ट। चला हाँ पावर तो नहीं लिया गाइस, यानी कि चला भाई ये भी चला। तो गाइस मतलब भाई मेरे को नहीं पता इनमें गाइस क्या खराब है भाई, इनके अंदर खाली LED गाइस ग्लो हो रही है भाई, इससे अंदाजा या इससे पता नहीं लगा सकता। अरे वाह इसमें तीनों चल रही है, इसको मतलब गाइस ये ठीक लगता है, रिमोट और अलर्ट, इसमें 3 LED है, इसमें डिस्प्ले नहीं है। आपका गाइस आयर सेंसर का होगा जो भी है सेंसर वेंसर, ठीक है। देखो भाई साहब ये यार ठीक तो लग रही है। चलो भाई साहब फटाफट भाई साहब इन्हें हम खोलते हैं, ठीक है, मजा आएगा भाई। पहले किसका नंबर लगा मैं, पहले गाइस चलो इसका नंबर लगाते हैं, मैं पहले गाइस को नंबर लगाया था ना पहले भी। ये भाई खुलेगा कैसे, इसे खोलने का तो तरीका ही डिफरेंट लगता है मेरे को। तो भाई इसकी सील भी हटा देंगे क्योंकि गाइस ये आज पहली बार ही खुल रहा है। लो ऐसे ओहो देखो ऐसे ऐसे ही खुलेगा जैसे मैंने खोला है। तो भाई ये है इसका भाई पूरा कार्ड, देखो भाई साहब दिस इज कार्ड, और ये इसका पूरा पैनल लीजिए भाई साहब। देखो भाई इसमें किसी भी तरह की डिस्प्ले नहीं लग रही थी, गाइस इसमें डिस्प्ले आई थिंक लग सकती थी भाई, इन्होंने लगाई नहीं, इसकी ना आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पुश स्विच काफी सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई, इसमें हमारे गाइस ज्यादा कुछ खास है नहीं। और भाई ये रही पूरी इसका कार्ड, और इसमें ये कैसे लग रहा है भाई, भाई बड़ा धांस लग रहा है जो बात है।
लीजिए भाई साहब, देखो भाई क्या मस्त फिनिशिंग है बॉस, मशीन द्वारा निर्मित मदरबोर्ड। और भाई साहब आईसी का आरसी की बना रखा है, यानी इस पे किसी तरह का कोई भी नंबर नहीं है, जिससे गाइस कोई कॉपी ना कर ले या कोई देखे ना कंपनी। ये भाई बिल्कुल स्मूथ है गाइस, आप इसे पानी डालकर रपट सकते हो, समझ गए। जैसे हम बचपन में गाइस नंगे होकर रपटते थे ना फरसों पर अपने घर के, ऐसी है भाई आप इस पर रपट सकते हो भाई, उससे भी ज्यादा थोड़ा सा प्लेन है, काफी गाइस चिकनी है जो बात है, बढ़िया। और यहाँ गाइस एक काम करते हैं भैया, इसे बाद में लगाते हैं, पहले इसे खोल लेते हैं, ठीक है भाई। तो काफी टाइट लग रहा है बॉस, फिट है बॉस, रूप अंडर वे बजान। इसमें तो गाइस बादल फंसा हुआ है, पूरा का पूरा भाई साहब मामला भर रखा, 1 mm तक का जगह नहीं है। जरा कार्ड निकाल कर फेंक गई और ने मेरी हालत खराब कर दी गाइस। इसमें तो गाइस बहुत सारा मसाला है, कोई हमारे किसी काम का तो नहीं, सारे का सारे SMD कंपोनेंट से भाई। इसमें गाइस थोड़ी सी शर्म हया है, इन्होंने गाइस नंबर इसके नहीं मिटाए हैं, सीक्रेट मसाला आ गाइस इनका ये। अब थोड़ा गाइस मैं लाइट जला दी, अब देखो देखो बस भाई साहब ये HDMI वाला भाई, इसका जो है ना ये USB का जो ये भाई बिल्कुल अलग है, देखो ये वाला सॉकेट बिल्कुल अलग है SMD का, देखो यहाँ यहाँ पे सोल्डर हुआ है। और भाई साहब ये भी अलग से होता है, देखो देखो ये दरवाजा अलग से खुलता है, देखो यार बढ़िया। चलो भाई साहब, और ये गया DC सॉकेट, ये भाई वही है जो हमारे पास है, ये SMD वाला नहीं है। चलो भाई यहाँ पे सेंसर लग रहा है जिससे गाइस ये पकड़ सके। तो भाई हमने इसके ऐसी के तैसी जो गाइस जो मारी है, हमने जो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, ठीक है गाइस हमें इसे सीधा भी करना पड़ेगा। चलो भाई मैं फटाफट से सीधा कर लेता हूँ। हाँ तो भाई साहब इसे मैंने साफ कर लिया है गंदे से, मतलब अच्छे साफ नहीं किया है, ठीक है ये साफ है। तो भैया इसका जो वाला पार्ट है जो बोर्ड है इसका भाई, इस बोर्ड में तो गाइस हमें कुछ चीजें भाई निकालनी है। एक तो भाई ये निकालनी है, ये जो सॉकेट है ये ऐसे नहीं निकलेगा। देखो भाई पहले आपको बता दूं मैं इसमें से क्या क्या निकालूंगा। एक तो भाई मैं ये निकालूंगा ये पूरा, एक मैं गाइस ये निकालूंगा, बाकी गाइस मैं और चीज में से नहीं निकालूंगा, मेरे और काम की चीज नहीं है, क्योंकि भाई साहब इसकी मुझे जरूरत है नहीं। निकाल सकते हैं, लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। जिसमें मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करने हैं, वो इन दोनों का निकाल लेते हैं फटाफट। ओ भाई बड़ी दिक्कत है यार, इतनी देर से भाई मैं यहाँ पर इसका जो सोल्डिंग है वो डिसोल्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब नहीं हो रही। भाई ये लोकल और घटिया क्वालिटी का यहाँ पर सोल्डर लगा रखा है, और भाई साहब ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता, मतलब भाई बहुत दिक्कत है। एक शॉर्टकट अपना के देखते हैं, इससे सीधा जला कर क्या होता है देखते हैं भाई। आया फौजी भाई, फौजी भाई हमारे इससे पकड़ के उठा लेना, जलाऊंगा मैं, जलेगा तो ठीक है वरना दो से ले लेंगे। देखो भाई साहब पूरा फुक गया भाई साहब, देखो यार पूरा फुक गया, लेकिन मजा आ भाई साहब की निकल जाए सॉकेट, लेकिन गाइस फाइनली हमने इसे निकाल लिया है। और भाई इसके प्रिंट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे निकला ये प्रिंट उखाड़ के निकला है, क्या फायदा इसी फालतू और बकवास चीज का। देखो भाई साहब फाइनली भाई सब मैंने निकाल के लिया है, जिंदगी खराब कर दी यार। भाई साहब पिछले 1.5 घंटे से अगर आपको टाइम में दिखाऊं, देखो भाई साहब, तो भाई साहब टाइम काफी ज्यादा हो गया भाई, ये नहीं निकल रहे, सोल्डर आयरन फेल हो चुका है, बहुत ज्यादा हीट होता है भाई, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा हीट होता है, लेकिन फिर भी भाई ये हार मान गया, भाई नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर गाइस हमें हीट गन चाहिए, लेकिन भाई इससे एक प्रॉब्लम है भाई, ये भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट अपनाते हैं गाइस, वही जो मेरे कूपन ने अपनाया था, हम यहाँ से बॉडी काट देंगे, ठीक है। इसकी माँ का सगिन आ गया, मुंडा खराब कर दिया, ससुरा पिघलता ही नहीं है सोल्डर वायर, टूट जा यार। देखो भाई टूटने भाई साहब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे को, जो बात है। हाँ तो भाई साहब ये रहा इसका नेगेटिव सारों का, और भाई साहब बीच में आपको ये चलो, देखो ये इसका पॉजिटिव मान के चलो, बीच वाला मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं अलग वे में कह रहा हूँ। तो चलेगा इस फटाफट भैया, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो भाई साहब ये दो चीज निकाली है भाई, इन दो चीजों को मैं वापस लगाऊंगा, इसलिए तो भाई यहाँ पर मैं वापस लगाऊंगा, जैसे गाइस ये लग रहा था इस तरह से उल्टा लगा देंगे, जिस तरह से मैं वायर लगाने में आसानी रही। और जैसे मैं कनेक्शन देख रहे हैं बीच वाला पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा ही होता है वैसे, और भाई साहब इसका लगाना तो बहुत ईजी है, ये ऐसे लग जाएगा देखो यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए गाइस हम पहले इसका एक पॉइंट देखो ऐसे निकाल लेंगे ये, ठीक है यहाँ पर निकल गए पॉइंट, नेगेटिव वाला हम ये वाले जैसे गाइस है ना बाहर का ये रस्से हिले लग गए। A few minutes later. हाँ तो वैसे नेगेटिव पे लगा दिया एक वायर, ठीक बढ़िया। और भाई साहब एक लगा देंगे हम पॉजिटिव पर भी हाथ वाथ, जिससे भाई बाद में हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वैसे भाई आप कोई से भी ले सकते हो, या 14 का चलो हम दोनों ही लगा लेते हैं, दोनों ही हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला नेगेटिव पूरा और ये अंदर वाली सब पॉजिटिव, ठीक। इस पर लगाते हैं ब्लैक वाली ग्लू गन, जैसे भाई तार न टूटे नीचे वाला, क्योंकि वरना भाई दिक्कत रहेगी।
ये मैंने उल्टा लगाया, सुबह कनेक्शन करने में आसानी रहे, ठीक ऊपर को। ओ भाई साहब ये कहीं जाने वाला नहीं है, बात पक्की है। चलो भाई ठीक है, लगा देते हैं हाथों हाथ। तो लीजिए भाई साहब, यहाँ पर गाइस हमें चाहिए लिथियम आयन बैटरी। तो भाई साहब ये रही लिथियम आयन बैटरी। तो भैया होल मस्त है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे भी लगा लेता हूँ हाथों हाथ और बताऊँगा गाइस मैं ये क्या बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ ये बताऊँगा। तो यहाँ लगा लेते हैं। और भाई बैटरी काफ़ी मस्त है, जो बात है आप जानते हो भाई 18650 बैटरी है, काफ़ी पावरफुल बैटरी होती है जो बात है। गाइस एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं गाइस अभी आपको बताऊँगा, इसमें एक कमी है बहुत बड़ी, वो कमी आप पूरी कर लोगे क्योंकि भाई साहब वो फिलहाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि भाई बच्चे आते रहते मेरे पास और भाई साहब वो ले गए। दिक्कत ये है ज़्यादा वायरिंग नहीं है, बहुत सिंपल सीधी सी वायरिंग है, देखो वही नेगेटिव सीधा इसमें लगा देंगे, उसके बिना भाई से मत बनाना। तो और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको गाइस जस्ट अभी बताऊँगा, जो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सोल्डिंग कर लेता हूँ ये पहले। ओह आई एम सॉरी गाइस, ये पूरा बॉडी से है, ठीक है ना, जो वैसे यहाँ पे जो है ना ये नेगेटिव है, तो पूरा बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, पॉजिटिव तो फिर भी गाइस अलग है। तो भैया ये क्या बन गया, इसे भी हम लगा देंगे इस तरीके से, वैसे ये बंद। हाँ तो भाई इसके अंदर क्या रह गया गाइस, इसमें रह गया भैया एक BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, माइक लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज दोस्तों जो लगाए। यहाँ पे गाइस फोटो लगा देता हूँ, देखो भाई कनेक्शन बहुत ईजी है, आप ऐसे देख के कनेक्शन कर सकते हो, मैंने अपनी वीडियो में गाइस काफी बता दिया है, बहुत सिंपल कनेक्शन है। तो गाइस सब में आ रहा है 12 वोल्ट DC करंट, ठीक है। देखो भाई यहाँ भी आउटपुट 12 वोल्ट DC है, वैसे यहाँ पे 12 वोल्ट DC है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी से होकर जा रहे हैं, बीच में बैटरी है, ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, किस चीज के लिए बनाया है, लगा इसमें से बंद कर देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने लगा इसे सीधा करने की कोशिश तो की थी अच्छी तरीके से, अब ये कहाँ लगा है, माने ना है, माने ना है, लेकिन एक दिक्कत आएगी कि वो LED जलती रहेगी। हाँ उसे आप बंद कर सकते हो, इसे गाइस आपको बंद करने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, इसलिए गाइस इसमें बैटरी लगानी वेस्ट है। भाई ये बन चुका आपको एक छोटा सा UPS 12 वोल्ट का। तो समर भाई कैसे, देखो भाई साहब इसमें आप BMS लगाओगे जो लगा रहे, ठीक है। तो भाई इससे क्या होगा, जब इसे 12 वोल्ट दोगे तो गाइस इसमें BMS लगाओगा, वो गाइस ऑटोमेटिक बैटरी फुल चार्ज होती है, पावर कट कर देगा, तो गाइस बैटरी आपकी चार्ज या ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज नहीं होंगी। तो भाई इसका क्या काम है, देखो भाई यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ पे अपने 12 वोल्ट देने, यहाँ पे बैटरी चार्ज होती रहेंगी, यहाँ से गाइस आपको 12 वोल्ट आउटपुट लेना है। यहाँ मैंने किसी तरह कोई डायोड नहीं लगाया, कोई LED नहीं लगाई है, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने देखा होगा जो आपके वाईफाई राउटर होते हैं, जो वाईफाई राउटर होते गाइस वो मोस्टली 12 वोल्ट पर चलते हैं। और भाई हर किसी घर में UPS नहीं होता, किसी किसी घर में इन्वर्टर होता है, UPS इन्वर्टर नहीं होता, वो गाइस क्या करता है, वो झटका एकदम दे देता है, तो भाई इससे क्या होता है इंटरनेट बंद हो जाता है, आपके जरूरी फाइल भाई डाउनलोड हो रही है अपलोड हो रही है वो रुक जाती है, या भाई कभी ऐसी बात होगा किसी से घर में गाइस इन्वर्टर ही नहीं होता, लेकिन गाइस वो काफी शौकीन मिजाज के लोग होते हैं और गाइस वो इंटरनेट जरूर रखते हैं, तो गाइस उनके लिए, या ऐसा होता है कि गाइस कुछ 12 वोल्ट का मोटर है या कुछ 12 वोल्ट की चीज है जिसे आप कंटिन्यू चला रहे हो और नहीं चाहते भाई बाय चांस लाइट भाग जाए तो भाई वो एकदम से वो झटके से बंद हो जाए, ठीक है, या मतलब वो एकदम से ब्लिंक करे या हो सकता है गाइस वो चीज खराब हो जाए झटके से, तो भाई उसके लिए छोटा सा एक UPS इन्वर्टर आप इसे कह सकते हो। तो भाई ये AC नहीं आपको DC आउटपुट देगा। तो भाई ये क्या काम करेगा, यहाँ पे आप जो राउटर में लगाते हो ना सॉकेट, वो भाई साहब सॉकेट आप इसमें लगाओगे, ठीक है, इससे भाई साहब और इससे आप आउटपुट ले लोगे, इसके सॉकेट आते हैं और अलग से एक सॉकेट ले लेना जो डी सॉकेट होता है सीधा से निकल के, या आप ऐसा लगा सकते हो, मतलब ये चाहो तो गाइस आप इन्हें ना लगा के सीधा इसमें से दो वायर निकाल सकते हो और बस सीधा लगा दो वाईफाई राउटर में। भाई देखो जैसे वो लग रहा है वाईफाई राउटर, देखो ऐसे वाला वाईफाई राउटर लग रहा है भाई, ये 12 वोल्ट पे चलता है। तो भाई मेरे घर में UPS है इन्वर्टर है तो यहाँ झटका नहीं लगता, लेकिन भाई काफी कमेंट आती, मैंने काफी कमेंट पढ़े सर UPS बनाइए कुछ वाईफाई के लिए छोटा सा इन्वर्टर बनाइए, तो भाई एक तरह का छोटा सा UPS इन्वर्टर आप कह सकते हो, भाई ये झटका नहीं मारेगा, जैसी लाइट चली जाएगी तो गाइस पावर आपको बैटरी से कंटिन्यू मिलती रहेगी। और भाई काफी अच्छा भी लग रहा है, ये चिट भी छुटा देना, स्टिकर जो लग रहे हैं ना ये सब छुटा देना, अगर बाय चांस पीछे से लाइट भी इसे नहीं मिली तो गाइस बैटरी पैक इसके अंदर है इनबिल्ट, भाई ये आपको आउटपुट कंटिन्यू देता रहेगा घंटों तक। तो गाइस मैं 12 वोल्ट की बैटरी लग रही है, आप ऐसे बैटरी पैक और भी बढ़ा सकते हो गाइस अगर आपका ज्यादा लाइट गड़बड़ करती है। तो भाई ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन गाइस आइडिया बहुत कमाल का है और गाइस ये काफी परेशानी आपकी दूर कर देगा। और भाई छोटी सी आपको बॉडी वोडी बनाने जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको जो है इसके अंदर ऑलरेडी फिट हो जाएगा। और गाइस हवा हवा का तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वगैरह हवा हवा लगेगी इसमें, गाइस 6 बैटरी आ जाएंगी, तो भाई 3 बैटरी आप लगा सकते हो, तो भाई कंटिन्यू आप यूज कर सकते हो अपने वाईफाई का इंटरनेट का या और भी चीज जो गाइस 12 वोल्ट पर चलती है, गाइस कंटिन्यू पावर मिलती रहेगी। तो गाइस आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस छोटे छोटे आइडिया बेसिक है, लेकिन भाई साहब ये काफी यूजफुल है।
परेशानी बहुत होती है, उसको सॉल्व कर देंगे। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।